हम घर में बैठकर चिल कर रहे थे, लेकिन तभी हमें एक अननोन नंबर से कॉल आया, जो था हमारे पुराने दोस्त जेसिका, जो कि ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में जिंदा बच गया था। लेकिन जेसी ने हमें कॉल किया था एक स्कीम बताने के लिए, और वो स्कीम थी उसके काम में हेल्प करना। जेसी ने हमें बताया कि वो एक काफी महान साइंटिस्ट के साथ काम कर रहा है, जो कि इस दुनिया का भला करना चाहता है। लेकिन उसे एक मशीन को कंप्लीट करने के लिए हमारी हेल्प चाहिए, जिसके बदले वो हमें काफी सारे पैसे देने वाला था। लेकिन हमें वीडियो टाइम पर पूरी करनी थी, तो हमने उसे मना, तो हम गए साइंटिस्ट से मिलने। जैसे ने हमें उस साइंटिस्ट से मिलवाया, जो कि देखने में काफी जाना पहचाना सा लग रहा था। साइंटिस्ट ने हमें उसके एक मशीन दिखाई, और वो मशीन काफी ज्यादा अजीब लग रही थी। लेकिन जैसे ही हम उस मशीन पर बैठे, साइंटिस्ट ने एक बटन दबाया और हम एक काफी अजीब से डायमेंशन में टेलीपोर्ट हो गए। और हमारे पास उस जगह पर सर्वाइव करने के लिए भी कुछ नहीं था, जिसका मतलब था कि साइंटिस्ट ने हमारे साथ स्कैम कर दिया। डायमेंशन में पहुंचते ही हमें मारने के लिए एक अजीब सा प्राणी हमारे पीछे पड़ गया, तो उससे भागकर हम एक विलेज के पास पहुंचे। वहां पर हमें एक आदमी मिला, और उसे हमने बताया कि हम दूसरी दुनिया से आए हैं, बट सैडली उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। पर उसने हमें बताया कि नजदीक वाले गांव में उसका भाई रहता है, और वो शायद इस प्रॉब्लम में हमारी हेल्प कर सकता है। लेकिन उससे पहले हमने सामान के लिए उस विलेज को लूटा, और फिर विलेज से बाहर आकर हमें कुछ अजीब सी चीज मिली, जिसे देखकर हम काफी देर तक सोचते रहे कि वो क्या है। लेकिन वो पता नहीं क्या था, प्यार का भूखा। और उसके साथ वहाँ पर एक और जानवर था, और वो भी पता नहीं क्या था। लेकिन फिर भी हमने उसके साथ एक सेल्फी ले ली, जिसे हम डालेंगे अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर। और ऐसे ही शानदार फोटोज के लिए तुम हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हो। और सामने हमें कुछ बिल्डिंग से दिख रही थी, लेकिन आगे जाते ही वहाँ के गार्ड्स हमें मारने लगे। वैसे तो हम इन छोटे मोटे गार्ड से डरते नहीं हैं, लेकिन हमारे पास सिर्फ वुड के टूल्स थे, तो हमें बचकर विलेज के अंदर आना पड़ा। फिर हमने स्टोन से टूल्स बनाए, और हमें एक मैमथ भी दिखा, जो कि अपने बच्चे के साथ सैर कर रहा था। फिर हमें एक प्यारा सा घर दिखाई दिया, तो हम घर के मालिक से मिलने के लिए गए, लेकिन वो हमारा स्वागत करने की जगह हमें जान से मारने लग गया। उसके बाद हमें क्यूट से पेंगुइन मिले, और फिर से वो मिला। फिर हमें सांप भाई मिले, लेकिन वो हमें इग्नोर कर रहा था, और उसे ये बताना जरूरी था कि यहाँ का बॉस है कौन। अभी बता दे भाई। घूमते हुए हमें एक सुंदर सी जगह मिली, जो कि घर बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट थी, तो हमने उसके लिए सामान इकट्ठा करना शुरू किया। लेकिन फिर हमें एक लेक मिली, जो कि घर बनाने के लिए और भी ज्यादा सुंदर थी, तो हमने सारा सामान लेक के पास शिफ्ट कर दिया। लेकिन हमारे पास ढंग का सामान नहीं था, तो हमने काफी देर तक आसपास की जगह को एक्सप्लोर किया, और हमें क्यूट से केकड़े भी मिले। शर्म करो, भगवान से डरो। जंगल के बीच जाकर हमें बहुत सारे पुतले मिले, शायद यहाँ पर कोई काला जादू कर रहा था। एक तो जिम बतूता। लेकिन वो पुतले हेबेल से बने हुए थे, तो हम उसे इकट्ठा करने लगे। लेकिन तभी वहाँ पर उस जगह का मालिक आ गया, और वैसे तो वो जगह उसकी प्रॉपर्टी थी, लेकिन उसे बताना जरूरी था कि यहाँ का बॉस कौन है। तो हम गए तैरने के लिए। घर की तरफ आते हुए हमें एक और सुंदर सी जगह मिली, जो कि घर बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट, तो हमने सारा सामान वहाँ पर शिफ्ट कर दिया। और क्योंकि ये जगह ओपन में है, तो जब भी कोई मॉन्स्टर हमें मारने के लिए आएगा, हमें इजीली पता चल जाए। सोचा था इस बार घर में बैठकर आराम से आईपीएल देखेंगे, लेकिन हम यहाँ पर फिर से मजदूर बन गए हैं। और आईपीएल से याद आया, क्या तुम्हें पता है कि तुम आईपीएल देखकर पैसे कमा सकते हो? What? Champions are not born, champions are made. It's a lot of daily work, daily success and failures, but if you want to be better, you do everything for it. We believe in champions and have loyal friends at Blue Chip, with whom we walk side by side and whose words and actions are trusted, especially before the IPL season. Go to the Blue Chip website, watch free broadcast of all IPL matches and win with the best team of India. और अब हमें रहने के लिए घर चाहिए था, तो हमने काफी दिनों तक बहुत ही ज्यादा मेहनत करके एक शाही आलिशान महल जैसा घर बनाने की कोशिश की, और ये बन गया। ये घर बिल्कुल ताजमहल की तरह है, क्योंकि ये रहने के काम नहीं आएगा, लेकिन किसी को दफनाने के काम आ जाएगा। टूट गया मैं तो अब। और ऐसा घर बनाना किसी जुर्म से कम नहीं था, तो हमें वहाँ से भागना पड़ा। और अब हमें कुछ डेरिंग करना था, तो हमें काफी बड़ी सी केव के अंदर गए, लेकिन डेरिंग डाइंग में कब बदल गई हमें कुछ पता ही नहीं चला। फिर हमें छोटी सी चींटियां मिली, जो कि हमें इग्नोर कर रही थी, तो उन्हें ये बताना जरूरी था कि यहाँ का बॉस है कौन। फिर हमें एक और सांप भाई मिले, लेकिन शायद उनके प्रोनाउंस दे देम थे। फिर हमें ओशन के बीच एक बोट मिली, जिसके ऊपर एक इंसान था, और शायद वो बेचारा वहाँ पर काफी देर से फंसा हुआ था, तो हमने उसे बोट के अंदर बैठाने की कोशिश की, लेकिन वो उसके अंदर आ ही नहीं रहा था, जिसका मतलब था कि हमें उसे बचाने के लिए एक रेस्क्यू ऑपरेशन करना पड़ेगा, जिसमें बहुत ज्यादा टाइम और बहुत ज्यादा मेहनत लगने वाली थी, तो हम वहाँ से चले गए। आगे जाकर हमें कछुआ मिला, और वो कछुआ भी थोड़ा सस लग रहा था,
पूरे दिन ट्रैवल करने के बाद हम फाइनली विलेज तक पहुंचे और हमें वहां पर उस विलेजर का भाई मिला जिसने हमें बताया कि उसे भी कुछ भी नहीं पता है, लेकिन लेकिन पास वाले विलेज में उसका भी भाई रहता है जो कि शायद हमारी हेल्प कर सकता है। फिर हमें कुछ मिला जो कि शायद कुछ था और जो कि कुछ करने के काम आता है, लेकिन हमें कुछ भी समझ नहीं आया तो हम बिना कुछ बोले वहां से चुपचाप चले गए। फिर हमें एक अबेंडन हाउस मिला जहाँ पर सिर्फ हड्डी और बेकार सामान था, साथ ही वहाँ पर एक कब्रिस्तान भी था। तो हमने सभी मरे हुए लोगों के लिए प्रार्थना की और फिर उनकी कब्र लूटी। थप्पड़ मार दूँ। फिर हमें एक प्यारा सा घर मिला जो कि बिल्कुल खाली लग रहा था। लेकिन वो एक विंडिकेटर का घर था जिससे हम मरते मरते बचे। लेकिन हमें फाइनली एक विलेज मिली गई जहाँ पर हमें एक विलेजर मिला जिसने हमें बताया कि उसे कुछ भी नहीं पता और अगली विलेज में उसका भाई रहता है जिसे शायद कुछ पता हो सकता है। कंट्रोल। फिर हम गए नेक्स्ट विलेज की तलाश पर और हमें काफी अजीब सा गोलम मिला जो कि हमें कुछ अजीब सा लुक दे रहा था, तो उसे ये बताना जरूरी था कि यहां का बॉस है कौन। थोड़ी दूर हमें एक टावर दिखा जिसके अंदर एक और विलेजर रहता था और वो बेचारा काफी डरा हुआ सा लग रहा था, तो ये चांस था उसकी उसका सामान लूटने का। अरे सुधरो रे अभी तो। फिर हम पहुंचे फाइनल विलेज में जहाँ पर हमें एक विलेजर ने बताया कि उसे कुछ भी नहीं पता और नेक्स्ट विलेज में उसका। थोड़ी आगे जाकर हमें एक चर्च मिला तो उसके अंदर जाकर हमने भगवान से माफी मांगी और थोड़ा सामान भी ले लिया। Stop it. फाइनली हम अगले विलेज में पहुंच ही गए और वहां पर हमें एक आदमी मिला, लेकिन उसे भी कोई आइडिया नहीं था। बंद कर। पर उसने हमें बताया कि उसका दोस्त। चलो एटलीस्ट हम कुछ प्रोग्रेस तो कर रहे हैं। ट्रैवल करते हुए हमें एक पायरेट शिप मिली जिसके अंदर काफी सारे पायरेट्स थे, तो अब टाइम था अपनी पीवीपी स्किल्स दिखाने का, मतलब परांठा वेजिटेबल परांठा। इसका मतलब अगर तुम्हें समझ में आए तो हमें भी बताना। थोड़ी आगे जाकर ही हमें क्यूट से क्रैब मिले, लेकिन वो भी हमें कुछ अजीब सा लुक दे रहे थे, तो उन्हें ये बताना जरूरी था कि यहाँ का। फिर हमें जंगल के बीचों बीच एक अजीब सी बिल्डिंग मिली, तो हमने वहाँ पर शांति से बिना किसी की नजर में आए छानबीन की। गाइस आई थिंक हमारा प्लान थोड़ा गलत हो गया। फिर हमें फाइनल विलेज मिली गई जहाँ पर हमें विलेजर ने बता ही दिया कि उसे कुछ भी नहीं पता और अगले गाँव में उसके चाचा का लड़का रहता है जिसे शायद। और अब हमें पता चल चुका था कि इन विलेजर्स को कुछ भी नहीं पता और हमें खुद ही घर जाने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। हमें एक प्यारा सा डंजन मिला जो कि बहुत ही से डंजन से भागकर हम एक विलेज में पहुंचे जहां पर हमें एक छोटा सा बेबी गोलम मिला। वैसे तो वो देखने में काफी क्यूट था, लेकिन वो हमें काफी अजीब सा लुक दे रहा था, तो उसे ये बताना जरूरी था कि यहां का बॉस। और वहाँ पर हमें एक आदमी मिला और उसने हमें बताया कि कुछ दिनों पहले विलेजर्स अपने कैसल में एक मशीन ले गए थे जो कि शायद हमारी हो सकती है, और साथ ही उस विलेजर ने हमारी हेल्प करने के लिए हमें डायमंड का आर्मर भी दिया। थोड़ा ट्रैवल करने के बाद हम विलेजर कैसल के पास पहुँच ही गए और फिर हम फाइनली कैसल के अंदर गए। कैसल के अंदर बहुत ही सारे विलेजर्स थे और हम काफी देर तक उनसे फाइट करते रहे, लेकिन हमें मशीन मिली नहीं रही थी। पर तभी हमें एक रूम मिला जिसके अंदर वेस्टोन जैसा कुछ था और चेस्ट के अंदर एक एंशियंट स्क्रोल था जिसके अंदर लिखा था कि वेस्टोन एक्टिवेट करने के लिए हमें फ्यूल चाहिए होगा जो कि हमें कैसल के अंदर एक बहुत ही भयानक राक्षस को मारकर मिलेगा। तो हम जल्दी से राक्षस का कमरा ढूंढने लगे और आखिरकार हमें वो डरावना राक्षस मिल गया। ये तो कुछ ज्यादा ही जल्दी मर गया। और हमें फाइनली फ्यूल मिल ही गया, साथ ही उस जगह पर गाय को भी कैद कर रखा था तो शायद वो कहीं दूध वाला तो नहीं था। और फिर हमने वेस्टोन को एक्टिवेट किया और वेस्टोन यूज करके हम एक कमरे में पहुंचे जहां पर हमारी मशीन रखी हुई थी, तो फाइनली मशीन का यूज करके हम अपने घर वापस आ गए। ये घर में इतनी हरियाली तो नहीं थी,